किस तरीके से बाबूश हो रहा तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बिग बॉस सवाल पूछना है। मैं सोच के जा रही हूँ, बस मुझे ये दबाओ कि मुझे बाहर ना निकाल दे। पर मुझे पूछना है कि बिग बॉस आपको बिग बॉस क्यों बोलते हैं? आप में क्या बिग है? आपकी शख्सियत बिग है? आप तजुर्बे में बड़े हो? आप उम्र में बड़े हो? आपको बिग बॉस क्यों बोलते हैं? इसका जवाब तो मैं लेके जाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। सना, लास्टली ये भी जानना चाहूंगी कि जब भी बिग बॉस का नाम आता है, सलमान खान का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इस बार बिग बॉस OTT को होस्ट करने वाले हैं अनिल कपूर, तो आप इसे किस तरीके से ले रही हैं? कोई ऐसे सपने रह गए कि हम सलमान सर से बात नहीं कर पाएंगे या फिर उनसे मिल नहीं पाएंगे? नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो मैंने शुरू किया है। सलमान सर से भी मुखातिब होंगे, बट हर चीज का एक टाइमिंग होता है और वो टाइमिंग अभी शायद नहीं था। और पॉजिटिव साइड देखा जाए तो अनिल कपूर सर की भी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत आला है। इस झकास पर्सनैलिटी, जो उनका कॉमिक टाइमिंग है, जो उनका तजुर्बा है, मतलब मैं एज अ व्यूअर, मैं पार्टिसिपेट नहीं भी करूँ, एज अ व्यूअर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगी ये सुनने के लिए या देखने के लिए कि अरे किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, एक्साइटमेंट लेवल, बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत आला होस्ट साबित होंगे। ये मेरा दिल बोलता है, बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, कॉमेडी, संजीदा टॉपिक, मतलब इतने तजुर्बेकार इंसान, यू नो, हु इज सो लाइवली, कितना आला दर्जे का वो माहौल होगा जब उनके साथ हम बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सना, आपके पेज पे एक और चीजें लिखी थी मोहब्बत के बारे में, आपका एक लफ्ज था वहाँ पर। आपने कभी बोला था कि मोहब्बत पे एतबार हमें मोहब्बतें, ये अब हम चाहेंगे आप एक करेक्ट करें, और किस तरीके अगर प्यार करने का मोमेंट आया किसी से, ऐसा अटैचमेंट हुआ था, ना मैं शायरी में पेश करना चाहूंगी। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे इश्क चाहिए। तो शायरी ये है कि क्यों मोहब्बत को लोग इतना तरजीह देते हैं, हमारी नजर में तो हम इसे फर्जी कहते हैं। मोहब्बत में आशिक को बेवफाई करते हुए देखा है, पर इश्क वफा में आशिक को महबूब के लिए सुधरते हुए देखा है। इसीलिए ना मोहब्बत नहीं चाहिए मेरी जान, बस इश्क वफा हो हमारे दरमियान। इसीलिए मैं बाज दफे कहती हूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे इश्क चाहिए, मुझे इश्क चाहिए। लास्टली ऑडियंस को